नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। पुलिस को लिखवाई रिपोर्ट अनुसार सोमवार रात 1:15 के करीब दुनेरा हिल्स पेट्रोल पंप दुनेरा पर ड्यूटी पर हाजिर सेल्समैन रमन कुमार से हुंडई i10 HP 6868 कार में सवार दो युवकों ने पेट्रोल डलवाया और पैसे मांगने पर सेल्समैन से हाथापाई की व उसका कैश वाला बैग भी छीनने की कोशिश की गई, लेकिन बैग छीनने में असफल रहने पर वे भाग गए। पुलिस अनुसार उन्हें नाके के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया व धारा 382-511 के अधीन मुकदमा दर्ज किया गया। पेश है इस संबंधी टीम एक्टिव न्यूज की एक रिपोर्ट। Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. कल मिथी 20/11/18 नूं सेल्समैन रमन कुमार ने मैनूं बयान दिता सी कि अज रात वक्त करीब 1:15 AM जदों कि वह पेट्रोल पंप से ड्यूटी कर रहा सी, कार नंबर HP 6868 ते दो मुने नौजवान सवार सन जिन्होंने उस पासों 1000 रुपए का पेट्रोल पाया सी, पेट्रोल के पैसे नहीं दिते अते नाल ही उसके मोढ़े ते पिया थैला पैसों वाला खोन की कोशिश करते उस नाल हथोपाई करते हुए मौके तो दौड़ गए, जिसते कैंची मोड़ नेड़ा विखे नाकाबंदी दौरान उक्त कार सवार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में मुकदमा नंबर 15 अंडर सैक्शन 382-511 IPC तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर थाना धारकलां में किया गया, जिन्होंने पेश मानजोग दर्ज किया जा रहा। रमन लाल दिनेरा हिल सर, रात सोमवार 1:15 की गल अगर पेट्रोल पाने आए पंप रही उन्होंने पैसे देने के बजाय मेरे को पैसे लुटने की कोशिश की।